बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल भी डाल रही हूँ और अब इनको हम लोगों ने इतना पकाना जब तक जोन सा ये पानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ताहरी जो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल क्योंकि विद नाज़रीन को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप सब देखते वाले से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल विद नाज़रीन के साथ जुड़ जाए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की हमारी रेसिपी जो सी है वो है तहरी और यहाँ पर मैंने जो है 5 से 6 चम्मच कुकिंग ऑयल के वेजिटेबल ऑयल के शामिल कर दिए हैं। इसके अंदर मैंने जो है वो तेज़पत्तर, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी और ज़ीरा डाल के इसको जो है मैंने अच्छे से भून लेना है। इसके बाद इसके अंदर जो हम मज़ीद चीज़ें डालेंगे, पहले जो इसका अच्छा सा अरोमा है वो तहरी के अंदर आ जाए। इसको हम लोग 5 मिनट फ्राई करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये तो व्यूअर्स जो से मसाले हम लोगों ने अच्छे से भून लिए हैं, खुशबू भी माशाल्लाह इसकी अच्छी सी आने शुरू हो गई है। अब हम लोगों ने इस स्टेज पे इसके अंदर जो सा है वो प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर किसमें डाल ये शामिल कर देते हैं। इसको भी हम लोगों ने अच्छे से जो सा है वो भून लेना है क्योंकि तहरी मज़ेदार सी हमारी बन रही है। तो हम लोग इसको भी 5 मिनट अच्छे से, जितना ज़्यादा आप लोगों ने अच्छी बनाई की है लहसुन अदरक की और टमाटर भी इतने में हमारे जो सॉफ्ट हो जाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार सी जो सी आपकी वो तहरी तैयार होगी। तो अब आप लोग चिकन पुलाव को भी भूल जाएंगे, मटर पुलाव को भी भूल जाएंगे, मज़ेदार सी तहरी को ही बनाएंगे। और कुकिंग विद नाज़रीन की वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मज़ीद इस तरह की ईजी और मज़ेदार सी आप लोगों के लिए रेसिपीज़ लेकर आते रहें। ये तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि जो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के थोड़ा सा मैं पानी और डाल के इसको मज़ीद अच्छे से खुशबूदार बना लेती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितना प्यारा ये जो सा है लग रहा है दिखने में और इंशाल्लाह जो सी हमारी तारी है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अच्छा, इस स्टेज पे हम लोगों ने इसको भून लिया है। अब मैंने शामिल करने इसके अंदर आलू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद मैंने दरमियाने साइज के जो से हैं वो आलू शामिल किए हैं और अब इसी स्टेज पर माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू मसालों की इतनी ज़बरदस्त कि जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि मैं किस खुशबू की और किस मज़ेदार अरोमा की बात कर रही हूँ। अच्छा, अब हम लोगों ने इसी स्टेज पे जो सा है हल्दी पाउडर, अमूमन जो चावल बनाते हैं हल्दी पाउडर नहीं शामिल करते लेकिन तहरी, तहरी का मतलब कलर जो सा है होता है वो हल्दी की वजह से ही प्यारा आता है। तो इसके लिए इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी का और 1 चम्मच ही सुरख मिर्च का और हसब ज़रूरत नमक, ठीक है। और अब इसके अंदर जो मैं एक और चीज़ ऐड कर रही हूँ क्योंकि वो तहरी का हिस्सा तो नहीं है लेकिन उसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए, ये मेरे पास लेफ्ट ओवर जो था चिकन का सालन था तो ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर अवेलेबल है लेफ्ट ओवर का सालन तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप करके जैसे बाकी एज जिस रेसिपी है उसको फॉलो कर सकते हैं तो हमारी मज़ेदार सी जो सी तहरी वो तैयार हो जाएगी। अच्छा, तो अब हम लोगों ने इस स्टेज में इसके अंदर डालना है पानी और आलुओं को गलने के लिए रख दे रहा है। तो 5 मिनट के बाद मैं आपको मज़ेदार सी तहरी का लुक दिखाती हूँ और मज़ेदार सी तहरी को मज़ीद कितना अच्छा बनाएंगे ये आप लोगों ने डिसाइड करना है, आप लोगों ने लाइक करना है। तो व्यूअर्स अब मैं आप लोगों को 5 मिनट के बाद दोबारा मिलती हूँ। ये तो व्यूअर्स तहरी बिल्कुल तैयार हो गई है, जो से आलू हैं वो भी गल गए। तो अभी स्टेज के अंदर मैं इसके बाद चावल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चावल भी डाल रही हूँ और अब इनको हम लोगों ने इतना पकाना जब तक जो सा ये पानी है खुश्क नहीं हो जाता। तो तेज़ आग पे मैं इसका पानी जो सा वो खुश्क कर लेती हूँ। और अगर आप लोगों ने नमक मिर्च, क्योंकि हम लोगों ने इतने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालने होते, हाँ अगर आप ज़्यादा कुछ मतलब स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप लोग गर्म मसाला और हल्की सी काली मिर्च का टच दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो बेसिक मसाले हैं ये 3 ही डलते हैं, हल्दी, लाल मिर्च और नमक। क्योंकि हल्दी इसीलिए वैसे चावलों में नहीं डलती लेकिन तहरी का वो लाजमी जुज़ है। तो मैं पानी को खुश्क करके फिर चावलों को दम पर रखती हूँ। ये देखें व्यूअर्स जो सा पानी खुश्क होकर थोड़ा सा बिल्कुल पानी रह गया तो अब मैं इसको इसी स्टेज के ऊपर दम पर रख रही हूँ। इसमें व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तहरी जो सी है आलू वाली बिल्कुल हो गई है तैयार। तो माशाल्लाह खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट और आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कितनी मज़ेदार सी यम्मी सी जो सी तहरी हो गई है हमारी तैयार। साथ मैंने दही और जो से हैं वो लीमू वाले प्याज रखे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों के सामने इसको टेस्ट भी करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल थोड़ी सी दही डाल के कि ये कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना मज़ेदार जो फ्लेवर पहले ही आया है ना वो जो सा है वो ये मसाले का है,
जो मैंने शुरू में भुना था उसका इतना मज़ेदार, मतलब काली मिर्च का और तेज़पत्ता का गरम मसाला, माशाल्लाह उसका बहुत ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है, तो बहुत ही मज़ेदार थे। जो से तारी तैयार हो गई है, तो व्यूवर्स आप लोगों ने वीडियो को जरूर लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो व्यूवर्स देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, इस रेसिपी को ट्राई करें, हम अपने फीडबैक दें। मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।